कि अगर किसी स्टूडेंट ने हमारी जो हम पीछे वीडियो डाल चुके हैं टैली की फर्स्ट लेसन से लेके और 20 लेसन तक, तो वो प्लीज़ आप उसको देखिए। अगर इस वीडियो से आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आपको टैली अच्छी तरह से सीखना है तो आप वहाँ पर टैली फंडामेंटल से लेके और इनवर्स जनरेटर वाली वीडियो को आप देखिए, जो कि यहाँ पर एक प्लेलिस्ट दी हुई है इस चैनल पर टैली के नाम से, तो उसमें ये वीडियो पड़ी हुई है। तो यहाँ पर हम लोग अब इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि आपने अगर 20 लेसन कॉपी में से नोट्स में से देख के वीडियो देख के अगर कर रखें तो फिर अब हमें ऐसे भी आनी चाहिए ना कि हम कॉपी भी ना देखें नोट्स भी ना देखें और हम अपना इजीली से कर पाएँ, तो वो वीडियो यहाँ पर इसलिए इसको डाली जा रही है। तो करना क्या है कि आपको टैली की जो शॉर्ट कीज़ हैं वो याद करनी है बस, कि कौन सी शॉर्ट की से कौन सी एंट्री निकल रही है, इसके बाद में आप उसको कर पाओगे। तो सबसे पहले हम अगर टैली में बात करें कि कंपनी बना सॉरी, तो यहाँ पर हम लोग गेटवे ऑफ टैली पर चले जाते हैं। अगर हमें गेटवे ऑफ टैली पर जाना है तो हम एस्केप एस्केप दबाएंगे, एस्केप दबाने के बाद L+F3 दबाएंगे, तो उसको दबाने के बाद हम चले जाएंगे क्रिएट कंपनी पे, तो कंपनी क्रिएट कर देंगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद में गोडाउन क्रिएट करेंगे, तो गोडाउन क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर गोडाउन क्रिएट करने के लिए आप लोग F11 दबाना है, फिर F11 एंड देन F2। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर हम जो जो फंक्शन एक्टिवेट करते हैं, मैं आपको बता दूँ कि F11 है जो हमारा F11 है वो क्या है कि उसके द्वारा हम जो एक्टिवेट लिस्ट निकालते हैं, जैसे कि F1 है, F2 है, F3 है, तो F1 यहाँ अकाउंटिंग को एक्टिवेट करने के लिए जाता है अकाउंटिंग एंट्रीज को, और F2 इन्वेंट्री एंट्रीज को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है, और F3 यहाँ पर GST या टैक्सेशन कह दीजिए, टैक्सेशन को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है, GST वगैरह VAT वगैरह ये सारी चीज़ होता है। अब इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आप लोग ये जो गोडाउन बना रहे हो, दो तरह के गोडाउन बनाते हो आप लोग, एक तो बनाते हैं जैसे कि हमारा स्टोरेज गोडाउन होता है इस टाइप का, और यहाँ पर एक बनाते हैं हम ऑफिस टाइप का गोडाउन जिसमें सिस्टमेटिक तरीके से हम सामान रखते हैं, तो आप लोग यहाँ से बना दोगे। इसके बाद में मैं आपको बता दूँ कि आप लोग यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजर बनाओगे, जैसे कि आप कंपनी जिस हिसाब से लीटर मीटर उसमें केजी किलोग्राम में काम कर रही है तो वो तुम बना दोगे। यहाँ पर आपको ये यूनिट ऑफ मेजर बनाते समय एक ध्यान देना है कि अगर आप नोट्स में बना रहे हो तो कोई बात नहीं, आप डेसिमल संख्या को प्लस करो मत करो, लेकिन आप अगर आप लीटर मीटर बना रहे हो तो यहाँ पर डेसिमल संख्या आप 2 या 3 डिजिट तक यस करना, उसमें डालना आप लोग। तो यहाँ पर इसके बाद हम बनाते हैं यहाँ पर स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपको इन्वेंट्री में जाना ही है बस, बताए ना, वहाँ से एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं आता है। अगर इसके बाद तुम स्टॉक कैटेगरी बनाओगे तो उसके लिए आपको F11 एंड F2 दबाना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर बेसिक और मल्टीमीडिया एंड्रॉयड इस टाइप के यहाँ पर आप स्टॉक बना दोगे। कैटेगरी बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लोग कैटेगरी बना दोगे। कैटेगरी बनाने के बाद लेज़र क्रिएट करेंगे। लेज़र कौन कौन से, हम लोग सबसे पहले तो हम अपना बैट लेज़र क्रिएट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो आपका GST होगा तो GST क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर उसके बाद में हम लोग इसको एक्टिवेट करने के लिए F11 दबाते हैं और एंड देन F3 दबाते हैं, और इसके बाद में हम लोग यहाँ पर पहला लेज़र बनाएंगे सेल्स एट द रेट 4%, परचेज एट द रेट 4%, और सेल्स अकाउंट एंड परचेज अकाउंट। तो अगर आप GST बनाए तो ये इसको ये अंडर GST के करना, और अगर आप VAT बना रहे हैं तो यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आएगा। ओके, ये सेल्स अकाउंट के अंदर आएगा, ये परचेज अकाउंट के अंदर आएगा जो हम अंदर। अब हम इसके बाद में हम लोग देते हैं एक चीज़ हम लोग और बनाते हैं इसमें, ये सारे जो एक्टिवेट कर देते हैं तो उसके बाद में हम बनाते हैं स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम की लिस्ट। जैसे कि स्टॉक आइटम में आपका नोकिया है, तो नोकिया में यहाँ पर क्या है हमें, जैसे नोकिया 1200 है तो ये हो गया आइटम, और वो किसके अंडर जाएगा, ये नोकिया के अंडर जाएगा, तो ये हो गई आपकी क्या, ये क्या हो गई स्टॉक ग्रुप। और इसके बाद में वो कैसा है, मल्टीमीडिया एंड्रॉयड है या विंडो फोन है, तो वो हो गई आपकी क्या कैटेगरी। अब उसमें मेजरमेंट में कितना है कि पीस कितने देने हैं नोट्स, तो उसमें 5, 6, 7, 8, 2 ऐसे करके यहाँ पर हम स्टॉक आइटम बनाने के बाद में फिर परचेज ऑर्डर लगाते हैं। परचेज ऑर्डर को आप लोग एक्टिवेट करने के लिए क्या करेंगे कि आप F11 प्रेस करेंगे एंड देन उसके बाद में यहाँ पर F2 दबाएंगे, और इसके बाद में आप फिर आप लोग अकाउंटिंग वाउचर में जाके L+F4 प्रेस कर देंगे, तो आप इस पेज पे आ जाएंगे परचेज ऑर्डर वाले पे। इसके बाद में यहाँ पर हमारी दूसरी जो अगली एंट्री आएगी वो आएगी रिसिप्ट नोट, मतलब उसको परचेज ऑर्डर के बाद रिसिप्ट करना है, तो उसके लिए वही F11 एंड F2 L+F9 प्रेस करने के बाद में यहाँ पर हम लोग उसको रिसिप्ट कर पाएंगे, रिसिप्ट नोट बना पाएंगे। इसके बाद में रिजेक्शन आउट, मान लीजिए जो माल हमने बेचा है तो उसको हमें वापस भी करना है अगर वो ख़राब, जैसे हम लोग सॉरी हम यहाँ पर परचेज ऑर्डर दे रहे हैं तो हम लोग खरीद के लाए हैं, तो हमको वो जो माल ब्रोकरेज वगैरह या मतलब कुछ भी चला जाएगा उसमें
टूटा हुआ निकलेगा या मान लो चल नहीं रहा है तो उसको वापस करना है, तो उसको वापस करने के लिए यहाँ पर हम रिजेक्शन आउट का प्रयोग करते हैं, रिजेक्शन आउट एंट्री करेंगे। और उसके लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एल्ट प्लस एफ सिक्स दबा देंगे। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में हम परचेज इनवॉइस करेंगे। परचेज इनवॉइस करने के बाद में क्या, परचेज इनवॉइस के लिए आप F11 या F दबाओगे, वहाँ पर परचेज एंड सेल्स ऑर्डर को यस कर दोगे। इसके बाद F9 दबाने के बाद यहाँ पर आप लोग इनवॉइस जनरेट कर पाओगे, मतलब परचेज बिल, परचेज बिल बनाएंगे यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर हम लोग यहाँ पर परचेज कर लेंगे, तो हमने जो आइटम परचेज किए हैं वो किए हैं हमने स्टोरेज गोडाउन में, तो अपने ऑफिस में गोडाउन से बेचना है तो उसको हम लोग एल प्लस F7 से यहाँ पर हम ट्रांसफर कर लेंगे। इसको स्टॉक जनरल कहते हैं, स्टॉक ट्रांसफर एंट्री कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम लोग जो आपकी अगला सेल्स ऑर्डर देंगे, सेल्स ऑर्डर देने के लिए आप लोग यहाँ पर वही आप पहले ही कर चुके हैं, F11 एंड F2 तो दबा चुके हैं सेल्स ऑर्डर को पहले ही, अगर नहीं किया तो वो कर लो। और इसके बाद में यहाँ पर L प्लस F5 का यूज़ करेंगे हम लोग, L प्लस F5 का यूज़ करेंगे काहे के लिए, सेल्स ऑर्डर के लिए। डिलीवरी नोट, डिलीवरी नोट मतलब हम लोग जैसे हम लोग परचेज के बाद रिसीट बनाते हैं, रिसीप्ट करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर सेल के बाद डिलीवरी करते हैं। इसी के बाद ही करने के बाद स्टॉक हमारा वर्चुअल वे में आता है ट्रांसफर होके अकाउंट में, जहाँ पर हमारी, जहाँ से हमको सेल ऑर्डर परचेज करना है। तो ये डिलीवरी करने के बाद, जैसे मान लीजिए आपने सेल ऑर्डर दे दिया तो आप उसको चेक करोगे तो वो आपके स्टॉक में नहीं आएगा, जब तक आप उसे डिलीवरी करोगे तब तक वो कटेगा नहीं, और जब तक रिसेप्ट नहीं करोगे तब तक वो स्टॉक में आएगा नहीं, हमारी लिस्ट में, गोडाउन में। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अब रिजेक्शन इन, रिजेक्शन इन जो आदमी सामान ले गया है उसके भी यहाँ ख़राब निकलेगा तो हम उसको वापस लेंगे, तो रिजेक्शन इन से लेंगे। उसके लिए आप कंट्रोल प्लस F6 दबाएंगे, ठीक है। इसके बाद में हमारी सेल एंट्री आती है, तो सेल के लिए आप लोग F8 का प्रेस करोगे, F8 एंड इसके बाद एंट्री कर दोगे और उसका सेल बिल बन जाएगा। इसके बाद टैक्स इनवॉइस जनरेट करना है, तो टैक्स इनवॉइस जनरेट करने के लिए आपको एक वाउचर क्रिएट करना है, वाउचर टैग मतलब वाउचर टैब में जाके आपको पहले वाउचर क्रिएट करना है, और इसके बाद में आपको F10 दबाना है। F10 में जाके जो आपने वाउचर क्रिएट किया है टैक्स सेल का वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, और इस तरीके से आपकी ये इनवॉइस जनरेट होके आ जाएगी। तो मित्रों यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हम लोग टैली की जो शॉर्ट की हैं उनका हम यूज़ कैसे करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा आर्टिकल इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो यदि भी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।